फर्स्ट व्लॉग एंड आज हम लोग जाने वाले हैं सुधांशु आश्रम के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज 75 साल हो गए शायद। आज हम लोग 75वां अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे शुभम भाई हैं, जिनका भी नाम शुभम है, मेरा भी नाम शुभम है। हम लोग कॉलेज से फ्रेंड, स्कूल से फ्रेंड हैं। सॉरी, बर्राज की तरफ पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्त का कॉल आया था तो उसने बोला कि क्या नाम है, उसको ब्लूटूथ हैंड फ्री चाहिए थी और हम लोग इधर से जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लेते हुए जाते हैं। हम बाय द वे हमारे दोस्त की एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक क्या कह सकते हैं, सागर मार्केट में वो काम भी करता है और उसकी शॉप भी है। तो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से मैंने एक ऑर्डर की थी ब्लूटूथ हेडफोन, वो लेंगे और दोस्त को हो सकता है आज ही डिलीवर करें या फिर बाद में कर देंगे उसको मैं देखने वाला हूँ। तो गाइस थोड़ा सा बीटी हो गया है कि लोग सोहन के लिए निकल रहे थे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, जो जिस दोस्त से मुझे ब्लूटूथ हेडफोन लेना था वो भी हमारे साथ चलने वाला था, तो पता चला है कि तो भाई साहब पहले ही निकल चुके हैं। तो उन्होंने क्या बताया, कहाँ जा रहे बोलो? अच्छा, वो लोग सोहन सरकार पता चला है कि खुला हुआ है और आज संडे है कानपुर में, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि लॉकडाउन लगा रखा है। अभी सैटरडे का लॉकडाउन हटा हुआ था, सैटरडे का लॉकडाउन हटा है और संडे का अभी भी लगा हुआ है। बट देख, आप लोग मेरे पीछे देख पाओगे सड़कें थोड़ी सी सूनी पड़ी हुई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँगा, अगर बंद हुआ थोड़ा सा उसके मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लोग जाएंगे वो बंद सरकार। ये देखिएगा व्यू, देखिए आप बस और आज ये सारी रैलियाँ जितनी भी रैलियाँ सब आपको दिखेंगी। अभी तो ये छोटी छोटी हैं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, शायद हो सकता है अगर कोई होगा तो रैलियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो मैं दो बार से पीछे मैं जाता था गंगा बैराज हम और शुभम, मतलब ये ऐसा होता है कि हम लोग घूमने जब भी निकलते हैं तो शुभम मेरे साथ रहता है, शुभम पहले भी मेरे साथ था। दो बार से हम लोग गंगा बैराज जा रहे थे, वहाँ तो इतने भयंकर भयंकर रैलियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छा लगता है कानपुर में, मैं कहीं भी गया हूँ इससे शांति भरी और इससे अच्छी जगह मैं मुझे लगती है। रोडों की बात हो या फिर इसके अंदर के अंदर भी मैं कभी नहीं लगा हूँ, वहाँ की बात हो या जो ये अभी भी देखो गाँव का बस स्टॉप ऐसा होता है भाई, है ना, गाँव का बस स्टॉप दिखाया मैंने। ओ भाई क्या आनंद आ गया यार, ये ऐसी रोडें जो होती ना भाई केवल आपको गांव में देखने को मिलेंगी, केवल गांव में, और जो मज़ा आता है यहाँ पे भाई पूछिए। तो हालत ख़राब हो रखी है ये रोड में, और जैसे कि मेरे को पता चल रहा है सामने वो शुभम है, शुभम भाई हमारे बता रहे हैं सामने वो जो बाउंड्री दिख रही है, वो जो बाउंड्री दिख रही होगी आपको वो शुभम की है। और अभी हम लोग पानी लेने जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कहीं पर बता रहे हैं टंकी के पास कहीं पानी मिलता है, ये सामने वाली बाउंड्री जो दिख रही। ये ओ भाई मेरा पहला रिएक्शन बहुत ही अच्छा है यार, ये सामने का ताल ये तो बहुत ही गजब है। मेन मंदिर उस तरफ है, मेन मंदिर तो गाइस मेन मंदिर ये तालाब देखो यार, तालाब है नदी है तालाब है भाई, यार क्या गजब बनाया हुआ है यार, भाई क्या गजब बनाया हुआ तालाब। और ये यहीं तक नहीं है, ये पूरा मतलब इसके चारों ओर होगा ना। हाँ ये तो गाइस ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा व्यू
ये सेम टू सेम ये जो बीच में आपको ये पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, यहाँ अंदर ही आश्रम है उनका। और ये जो तालाब है ये पूरा मतलब कि उस तरफ तक है। शुभम देखने की कोशिश कर रहा है कि वो है कहाँ पे। ये इतना इधर है और प्लस इसका दो गुना उस तरफ है पूरा भाई, एक गांव इतने में बस जाए यहाँ पे। तो कैसे लोग अभी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंफ्यूज हो गया शुभम, पता नहीं चल पा रहा उसको कि कहाँ पे वो दूसरा वाला शुभम है, मतलब तीनों लोग के नाम बेसिकली शुभम है। तो वो जिसके साथ दोस्त के साथ हमको मिलना था वो है कहाँ, तो अभी ये वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, पता नहीं चल पा रहा भाई। गाइस देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है। तो अब वापस से हम लोग जा रहे हैं, मेन मंदिर जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद देखेंगे, पहले मेन मंदिर जाते हैं। और हाँ गाइस, मैंने सुना क्या है मतलब कि शुभम ने बताया अभी कि यहाँ पे कोई कुआ है, वहाँ पे सात धाम का पानी आ हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे, और अब हम चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अंदर फोटोज खींचना अलाउ नहीं था इसलिए मेरे को कैमरा अलाउ नहीं किया गया है वहाँ पे। और अच्छी बात भी है, वहाँ पे शांति है, कोई फोटो खींचेगा तो कोई कुछ कहेगा, इसलिए अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो मैंने देखा आप भी आइए देखिए, बहुत ही अच्छा है। बाकी ये देखिए पीछे मेरा जितना भी व्यू देख पा रहे हैं आप, ये सब बहुत ही अच्छा है। पीछे मेन मंदिर ये है, यहाँ पे जाके ही बाबा जी की वो उसको क्या बोलते हैं जो भी समाधि दी ली थी या फिर उसको जो भी बोलते हैं उन्होंने मतलब कि वहीं पर ली थी और उनका वो बना हुआ है वहाँ पर। और गाइस मैंने वीडियो के ऐसे बीच में मैंने बोला था आपसे कि क्या नाम है, शुभम भाई ने बताया था कोई कुआं था जिसमें सात धाम का पानी आता था। तो हम लोग यहीं पे खड़े हैं, एक सेकंड में दिखाता हूँ आप। क्या जूता पहन के जूता उतार, वो इसका नाम लिखा हुआ बड़ा कुआं सभी तीर्थ जलों का पानी। यार गाइस कितना ऊपर तक पानी है, और यहाँ से ये देखो नल का कनेक्शन किया गया है, तो अगर आपको पीना है तो ये नल कनेक्ट किया गया है। लड़का देख दिखाओ के लिए यहाँ आते हैं, मुंडन उंडन होते हैं, शादियाँ भी कर सकते हो यहाँ। अच्छा, छोटे छोटे ऐसे करके बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं थक गया हूँ अभी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं देखा लेकिन फिर भी थक गया हूँ। ये हो गया, और इसके पीछे यहाँ, इसके पीछे इधर, इसके पीछे मतलब आप कहीं भी जाओगे सब तरफ कुछ ना कुछ बना ही हुआ है। ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ तो मैं दिखा सकता हूँ। सो सिक्के चपकते हैं यहाँ पे, सिक्के चपकते हैं, शुभम भाई बता रहे अपने। यहाँ वो दिख रहा है मंदिर, ये मंदिर बंद है, पता नहीं कब खुलेगा, मैं तो पहली बार आया हूँ। ओ भाई आवाज़ सुनो यार, ये वाला व्लॉग यहीं के लिए एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और वीडियो में सपोर्ट दिखाइएगा अपना। थैंक यू।